एसएस अलुवालिया से बात की है यूपी संवाददाता ने, क्या उनका कहना है क्योंकि उनको भी शामिल किया जा रहा है इस कैबिनेट विस्तार में। सुनिए। 27 साल का सांसद के तौर पर अनुभव रखने वाले एसएस अहलुवालिया मोदी सरकार में मंत्री बनने जा रहे हैं, बात करते हैं। अहलुवालिया साहब, जन्मदिन के दिन आपको बताया गया कि आप मंत्री बनने जा रहे हैं, क्या भूमिका देखते हैं मोदी सरकार में अपनी? ऐसा है कि ये संयोग था कि उस दिन जन्मदिन था और आज विस्तार है सरकार का, और जो जिम्मेदारी दी गई है वो मैं समझता हूँ राष्ट्र निर्माण के लिए और राष्ट्र को एक सशक्त, समृद्ध और सुरक्षित राष्ट्र बनाने के लिए, उसमें जो भी जिम्मेदारी आगे भी दी जाएगी उसको पूरी तरह से निभाऊंगा। परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद बना रहे, देशवासियों का आशीर्वाद और शुभेच्छा बनी रहे, हमारे दार्जिलिंग लोकसभा के वासियों का आशीर्वाद और शुभेच्छा बनी रहे, अपनी काम में कहीं भी कमी नहीं रखूंगा। ये कहा जा रहा है कि आपका बिहार से भी रूट्स रहा है, पश्चिम बंगाल में पढ़ाई लिखाई की है और सांसद भी वहाँ से हैं, लेकिन पंजाब में जिस तरीके से अभी चुनाव होने हैं, चुनौती काफ़ी ज़्यादा है और अरविंद केजरीवाल वहाँ पर काफ़ी उभर रहे हैं, तो आपका इस्तेमाल पंजाब में भी पार्टी कर सकती है? नहीं, पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन सरकार है और शिरोमणि अकाली दल हमारे बहुत पुराने साथी हैं और नेचुरल एलाई हैं बीजेपी के, और मैं उम्मीद करता हूं कि एक अच्छा प्रदर्शन वो कर सकेंगे, पर हमारी जिम्मेदारी जहां भी लगाई जाएगी मैं ज़रूर जाऊंगा। मैं तो पार्टी के लिए पूरे उत्तर पूर्व भारत, एकदम अरुणाचल प्रदेश से लेकर कोहिमा और मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और असम का चुनाव भी मैं ही देखता रहा, तो जो भी जिम्मेदारी जब जब दी गई है पूरी तरह से निभाई है और आगे भी निभाऊंगा। लेकिन सिख चेहरे के तौर पर कहीं पार्टी को लग रहा है कि पंजाब में आपका फ़ायदा मिलेगा, और आपने भी खुद बताया कि सियालकोट से आप विस्थापित होकर भारत में आज जब आए थे विभाजन के वक्त, तो क्या इसका इस्तेमाल पार्टी को फ़ायदा मिलेगा इसका? ये तो मैं नहीं जानता कि पार्टी मुझे इस्तेमाल करने के लिए ये पद दे रही है या पार्टी एक जिम्मेदारी के रूप में सब। लेकिन आखिरी सवाल, आप प्रिविलेज कमेटी के भी चेयरमैन रहे हैं, जो अभी लैंड एक्विजिशन बिल के लिए जो कमेटी बनी थी उसके भी चेयरमैन रहे, तो उन सब का क्या, उन जिम्मेदारियों को आप छोड़ के मंत्री का पद संभालेंगे? नहीं, मंत्री पद जब मंत्री बन जाते हैं तो आप जितनी समितियों के सदस्य या अध्यक्ष रहते हैं वो फिर नहीं रहती जी। वो सांसद के रूप में ही रहती हैं, तो अब कोई नया आदमी वो पदभार संभालेगा। अब जिस वक्त राष्ट्र का प्रधानमंत्री और पार्टी का नेता एक फैसला कर ले कि हमें फलाने आदमी को अपने साथी के रूप में, सहयोगी के रूप में जोड़ना है, तो उस वक्त आपके साथ में कोई पास में कोई किंतु परंतु नहीं होता। आप जिम्मेदारी निभाने के लिए पहले ही कटिबद्ध हैं जिस वक्त आपने चुनाव लड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई आपको। तो आपने सुना अहलुवालिया जी का, जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी मंत्रिमंडल में उसे निभाने के लिए पूरे तौर पर काम करेंगे, और साथ ही पंजाब का चुनाव को देखते हुए अगर पंजाब में पार्टी इनको कोई जिम्मेदारी देती है तो निश्चित तौर पर उसे निभाने में पीछे नहीं हटेंगे। एसएस अहलुवालिया, राजन सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।